और ये प्रोडक्ट जो है लगाने के बाद एकदम जो है लाइट का ब्लास्ट होने वाला है और एकदम जो है लाइट उसकी बढ़ने वाली है आपकी बाइक की। जी हाँ, 100 वोल्ट का गाइस मैं आपके लिए जो एक LED बल्ब लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है उन भाइयों के लिए स्पेशल रहने वाली है जिनकी बाइक की हेडलाइट काफ़ी लो चलती है और ये प्रोडक्ट जो है लगाने के बाद एकदम जो है लाइट का ब्लास्ट होने वाला है और एकदम जो है लाइट उसकी बढ़ने वाली है आपकी बाइक की। वैसे आपने जो है काफ़ी जो है सुना होगा जो आपके LED बल्ब आते हैं 35 वाट के सुना होगा आपने, 50 वाट के सुना होगा, 60 वोल्ट के भी सुना होगा आपने, 80 वोल्ट तक के भी आपने जो है सुना होगा। लेकिन गाइस आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है 100 वोल्ट का जो है LED लाइट बल्ब। जी हाँ, 100 वोल्ट का गाइस मैं आपके लिए जो एक LED बल्ब लेके आया हूँ। सो चलिए गाइस देखते हैं इसमें हमें जो है देखने को क्या मिलता है। तो गाइस इसको मैंने जो अमेजोन से बाय किया था, तो अमेजोन का यहाँ पे मैं पैकेट हटाता हूँ तो यहाँ पे अगेन एक और जो है इसका बिल वगैरह देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैं आपको इसकी सबसे पहले प्राइसिंग बता दूँ तो इसका प्राइस मेरे को गाइस 1160 रुपये मेरे को पड़ा है। सो अभी इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ तो ये गाइस खाली डिब्बा है, तो इसको फेंकता हूँ मैं। और यहाँ पे गाइस एक जो है काफ़ी अच्छा मेरे को जो है एक ऐसे प्लास्टिक का जो है एक बॉक्स जो है मेरे को मिलता है और इसको मैं जो है बाद में यूटिलाइज भी कर सकता हूँ अपने किसी और काम में। सो अभी इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। सो यहाँ पे गाइस यहाँ पे मेरे को जो है कुछ वारंटी कार्ड वगैरह इसका देखने को मिला है। सो वारंटी मैं आपको बता दूँ कि 7 डेज़ की इसकी जो है कुछ वारंटी मेरे को मिली है। सो ये नंबर वगैरह दे रखा है। सो चलिए इसको बाद में देखता हूँ। सो 7 दिन की वारंटी है गाइस। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक LED बल्ब जो कि है 100 वोल्ट का। जी हाँ गाइस, आपने जो है गाड़ियों में देखा होगा 100 वोल्ट का बल्ब, लेकिन अभी जो है मैं आपको LED बता रहा हूँ ये, और ये है 100 वोल्ट का और ये भी बाइक के लिए है। इसकी मैं अभी काउंटिंग करके आपको बताता हूँ। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हमें 8 LED हमें देखने को मिलते हैं कंट्रोलर। सो इसमें इसकी वोल्टेज वगैरह दे रखी है। सो आप देख सकते हो 80 वोल्ट और 100 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है, 80 का लो और 100 का जो है इसका हाई बीम होगा। सो HJG की यहाँ पे ब्रांडिंग है। सो गाइस ये HJG का प्रोडक्ट है और इसके जो है जस्ट बगल में जहाँ पे पीछे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि एक फ़ैन भी लगा हुआ है जो कि इसको कूल करने का जो है काम करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी भी 100 वोल्ट का ये बल्ब है और ये काफ़ी हीट प्रोड्यूस करेगा जिसके लिए जो है ये फ़ैन इसमें जो है मस्ट हो जाता है। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये H4 सॉकेट वाला है। सो ये H4 सॉकेट में क्या होता है, ये 3 वायर होती है, एक जो है इसकी नेगेटिव की होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, एक हाई बीम की होती है जो कि ब्लू कलर की होती है, और एक लो बीम की होती है जो कि वाइट कलर की होती है। तो चलिए गाइस अभी लगाते हैं इसको अपनी बाइक में। सो गाइस बाइक में लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये LED है तो इसका कनेक्शन मुझे जो है DC पे करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी मैंने कर रखा है। सो आप देखोगे इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे एक जो है मैंने बटन भी लगा रखा है। सो कुछ इस तरह का मैंने बटन लगा रखा है, जैसे मैं जो है इसको प्रेस करूँगा तो हमारी जो हेडलाइट है वो ऑन हो रही है, आप देख सकते हो। सो इसको मैंने जो है डायरेक्ट जो है इसका कनेक्शन बैटरी पे कर रखा है। सो आप देख सकते हो हेडलाइट हमारी ऑन है और इसी बटन से मैं इसको जो है ऑफ भी कर सकता हूँ। सो उसके लिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके लिए जो है इसकी जो येलो वायर होती है उसको हमें जो पीछे से सप्लाई उसकी कट करके हमें बैटरी से सप्लाई उसकी देने पड़ती है, मतलब चाबी के जो इग्निशन होता है उससे इसकी सप्लाई देनी पड़ती है येलो वायर को कट करके। सो काफ़ी वीडियो में जो है मैंने आपको बता रखा है। सो इस स्टेप को स्किप करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक बटन लगा रखा है। सो सीधे जो है इसकी हम जो है लाइट को चेंज करेंगे। सो आप देख सकते हो गाइस इसका मैं अभी जो है ये सॉकेट को निकालता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ये बल्ब का जो है प्लग एंड प्ले वाला जो काम होता है वो करूँगा। सो यहाँ पे मैं इस बल्ब को प्लग कर देता हूँ। तो अभी जो है मैं अभी चाबी को ऑन करता हूँ और बटन को मैं जैसे मैं अभी ऑन करता हूँ, सो आप देख सकते हो गाइस इसकी लाइट गाइस अभी जो है धूप में है, हम एकदम जो है कड़क जो है धूप निकली हुई है हमारी आंखों में, ये जो है लाइट इसकी जो है अभी लग रही है। सो हम इसकी और जो है अभी देख नहीं सकते हैं, इतनी तेज इसकी जो है रोशनी है। सो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी लाइट जो है रात के टाइम में कितनी होने वाली है। चलिए गाइस अभी इसको मैं बंद करता हूँ। अभी जो है मैं आपको बता देता हूँ इसको लगाना आपको कैसे है। सो लगाना गाइस काफ़ी ईजी है, आपको पुराना बल्ब निकाल देना है, कुछ इस तरह से आपको निकाल देना है पुराना बल्ब जो कि हेलोजन बल्ब होता है। सो इसके बाद गैस यहाँ पे मैं जो है ये LED को यहाँ पे फिट कर दूंगा और ये जो इसका लॉक है, इसका लॉक जो है इसको वापस से मैं जो है लगा देता हूँ यहाँ पर। सो गैस कुछ इस तरह से जो है इसका लॉक वापस से लग गया है, आप देख सकते हो, और हमारी हेडलाइट जो है एकदम रेडी, आप देख सकते हो इसके अंदर जो है हमारी हेडलाइट जब जो है इंस्टॉल हो चुकी है। अभी इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो
एकदम जो वाइट लग रही है अभी इसकी हेडलाइट, और अभी मैं आपको जो इसका लो बीम हाई बीम दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये इसका लो बीम और हाई बीम कुछ इस तरह से चल रहा है। सो गाइस रात के टाइम में जो है इसकी रोशनी देखने वाली होगी। सो अभी जो है हमें रात तक जो है इसका वेट करना पड़ेगा। सो गाइस आप देख सकते हो चलते वक्त इसकी लाइट कुछ इस तरह से है, और अभी मैं हाई बीम करता हूँ। सो आप देख सकते हो, तो गाइस एक्चुअली जो हाई बीम है वो अभी पास में बढ़ रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये अभी हाई बीम है। सो हाई बीम से क्या है कि लाइट तेज हो रही है, और ऐसा नहीं कि लाइट दूर जा रही है। सो लाइट का जो हाई बीम है उसमें मेरे को जो है दिक्कत आती ही है एलईडी में। सो इसमें भी वही दिक्कत है, इसके हाई बीम में दिक्कत है। बाकी गाइस लाइट की आप अगर बात करोगे तो 100 वाट की जो रोशनी है वो आपको जो है किसी और एलईडी बल्ब में नहीं मिलेगी। सो आप देख सकते हो इसकी लाइट की ब्राइटनेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि 100 वाट की जो लाइट है वो कितनी ब्राइट है। सो अभी मैं आपको जो अलग अलग सिचुएशन में बता देता हूँ कि इसकी जो लाइट है वो कैसी है। सो अभी मैं जो है अभी सामना करूँगा कुछ लाइट्स का जो कि सामने से आ रही होंगी, और उसमें आपको जो है क्लियरली पता चलेगा कि इसकी लाइट जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो है जानवर वगैरह भी है, और अभी आगे से लाइट आ रही है। सो मेरे को गाइस आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि लाइट कोई विजिबिलिटी में है। सो आप देख सकते हो सामने से जो लाइट आ रही है वो मेरे सामने जो है वो फीकी पड़ रही है। सो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हो रही है, और इसमें मेरे को ऐसा नहीं है कि इसका लो बीम हाई बीम में मेरे को जो है स्विच करना पड़ रहा हो बार बार। अगर मैं यहाँ पे हाई बीम रखता हूँ सो ऐसा नहीं है कि सामने वाले को दिक्कत हो रही है, क्योंकि सामने वाले को अगर दिक्कत होती तो वो थोड़ा बहुत जो है रिएक्ट करते हैं, और इससे जो है कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मैंने लाइट को थोड़ा जो है लो पे रखा है, मतलब नीचे रखा है, और आप देख सकते हो मेरी विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत जो है मेरे को नहीं हो रही है। सो अभी गाइस काफ़ी मैं घर से दूर आ चुका हूँ। सो अभी मैं वापस की ओर चलता हूँ, और जो जो भी होगा रास्ते में वो मैं आपको जो है दिखाता जाऊँगा। सो आप देख सकते हो कितनी ब्राइट है इसकी लाइट, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो यहाँ पे अभी आपको लाइट दिख रही है, ऐसा नहीं है कि कैमरा का कुछ कोई सो गाइस कुछ ऐसा नहीं है कि कैमरा का ये जो है लेंस कुछ अपना काम कर रहा है, ये एक्चुअल में जो लाइट है इसकी वो इतनी ब्राइट अभी जो है।